मैं सिर्फ निशा से मोहब्बत करता हूँ। आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। जैसा भी हो मुझे पता है मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे मेरा इस्तेमाल करेगा, जिंदगी भर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे बचा लेना चाहती हूँ। सच में? और फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। घटिया मकसद पूरा हो सके, मेरी जात और मेरी मोहब्बत की तौहीन। अभी मैं कभी तुम ड्रामे की आने वाली एक साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। मुस्तफा पैसे के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही वो सब कुछ है जिसे पाकर वो शर्जीना को खुश रख सकता है। लेकिन शर्जीना ने कभी पैसे को रजे नहीं दी, वो सिर्फ मुस्तफा का वक्त और प्यार चाहती है। इसलिए मुस्तफा से दूर हो जाएगी जबकि अदील तो सड़क पर आ जाएगा। अदील के तो कोई नहीं सुनेगा। अदील ने इतने धोखे रुबाब को देने थे दे लिए। इसके बाद रुबाब कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। रुबाब के साथ तो बहुत बुरा हुआ, जिसने दिल से अदील को चाहा उसे पाकर खुश थी कि उसके बिजनेस को संभालने वाला भी मिल गया और उसको भी, उसकी हर ख्वाहिश पूरा कर रहा है, उसके नखरे उठा रहा है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।